नहीं किसी से कम हमें लट्टे के की एवरीबॉडी से मैक्स। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखा और ये टिकटॉक के एक भाई वीडियो बनाता है इन सब चीजों के ऊपर के, मतलब एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है ये वाली कि यार मोबाइल को कैसे प्राइवेट डिस्प्ले बनाए, मतलब जैसे चश्मा लगाती, जैसे कि आप वीडियो में देखा आपने चश्मा लगाती मतलब एकदम पूरी जो स्क्रीन है फोन की दिख जाती है और चश्मा हटाती एकदम व्हाइट हो जाती है। तो यार इसका आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल चाहिए होगा अपने आपके पास जो मोबाइल होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप इसको यूज ना करें क्योंकि इसमें बहुत सेफ्टी के साथ यूज करना होता है। तो इसको यूज मत करिए, बस इस ट्रिक को समझ लीजिए कि भाई कैसे करता है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक मोबाइल ले लेना है और मोबाइल को लेने के बाद आपको उसको सिंपली पूरा खोल लेना है, मतलब उसकी जो अंदर की डिस्प्ले होती है वहां तक आपको इसको सिंपली पूरा खोल लेना। उसके बाद में आपके जो डिस्प्ले है उस पे आपको देखेंगे तो आपके ऊपर एक ब्लेड लेके आपको उस पे क्या करना है, उसके ऊपर एक पेपर होता है, पेपर की तरह एक पोलोथीन लगा रहता है ब्लैक कलर का, आपको क्या करना है उसको हटाना है जैसे कि आप अभी देख ही रहे हैं। तो उसको आपको सिंपली अपने हाथों से मतलब थोड़ा सा ब्लेड से करके और आपको जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा सिंपली उसको ध्यान से हटा देना, और हटाने के बाद देख सकते हैं आपको ऐसे ब्लैक कलर का एक पेपर टाइप मिल जाएगा आपको, आपकी स्क्रीन के ऊपर वो चिपका रहता है। तो उसको हटाने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा। अभी हम बैटरी लगा के आपको चला के दिखाते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो आपको पूरी स्क्रीन आपको वाइट दिखेगी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पूरी स्क्रीन हमें वाइट दिख रही है। और अभी हम देखिए पूरा पेपर लगाएंगे तो देखो आपको पूरा एकदम क्लियर क्लियर दिखेगा। तो ये सारा कमाल इसका ब्लैक पेपर का ही है। तो उस भाई ने भी इस पेपर को हटा दिया था, जो पोलोथीन टाइप ये पेपर है इसको हटा दिया था, जिससे कि पूरी स्क्रीन में कुछ नहीं दिखता है, सारे कलर वलर सब चले जाते हैं। तो अभी हम आपको चश्मे का बताते हैं। तो चश्मे का सिंपली क्या करना है आपको, आपका ये जो पेपर है इसी को कट करके आपको अपने चश्मे पे लगा देना है और उसकी कटिंग कर देनी है। तो अभी आप वीडियो देखिए, वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लगाना है। देखिए ऐसे करके चिपका देंगे आप, और चिपकाने के बाद आपको फिनिशिंग के लिए इसको कैंची से पूरे साइड साइड में इसको कट कर देना ताकि फिनिशिंग आ जाए पूरा। और दोनों को आपको दोनों जो लेंस है उसके दोनों लेंस में आपको ऐसे ही करना है, और ये दूसरे वाले लेंस का भी करने के बाद में आपको दोनों के क्या करना है अपने चश्मे के फ्रेम में जैसे ही आपने निकाला था वैसे ही आपको इसको लगा देना है। और लगाने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी जो स्क्रीन है देखिए इस तरीके से ये हमें दिखेगा, जैसे कि दोनों लेंसों को कट करके हमने ऐसा कर लिया है। और उसके बाद में अभी हम इसमें लेंस में लगाएंगे तो आपको सिंपली दिखेगा के इसको जैसे हम चश्मे को स्क्रीन के आगे करेंगे तो हमारी स्क्रीन दिखने लगेगी। अभी आपको दिखाते हैं हम, चलिए मोबाइल को कर दिया है बंद, और बंद करने के बाद अभी हमने कर दिया मोबाइल स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद अभी हम चश्मा को आगे लगाते हैं स्क्रीन के। तो देख सकते हैं आप यार एकदम क्लियर क्लियर आपको दिख रहा है। तो ये भाई यही करता है, बाकी ये जो ब्लैक वाला जो पेपर है उसकी जगह वो भाई क्या करता है ब्लैक वाला चश्मा ले लेता है। कभी उससे उस भाई से अगर आप कभी मिलो तो उसको बोलना कि भाई इसके आगे जरा व्हाइट कलर का चश्मा लगा के दिखाओ, तब देखते हैं कैसे दिखाएगा, किसी और कलर का भी ठीक है। तो भाई वो ब्लैक कलर का चश्मा लगा के दिखाता है क्योंकि उससे ही दिखता है, क्योंकि ब्लैक कलर की वो पोलोथीन हटा देता है तो और ब्लैक कलर का चश्मा लगाएगा तो एकदम दिखेगा। तो भाई इस तरीके से आप अपनी प्राइवेट डिस्प्ले बना सकते हो। बाकी यही थी दोस्तों आज की वीडियो, अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। वीडियो की हमने स्पीड बीच बीच में इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि यार आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आपका टाइम बर्बाद करना नहीं चाहते। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो।